हरियाणा से टीवी वन इंडिया न्यूज के संवाददाता उमेश सतसाब ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बाडरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुखविंद्र सिंह माड़ी से लोकसभा चुनाव के संबंध में उनके विचार जाने और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के विकास कार्य की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं इस अवसर पर विधायक सुखविंद्र सिंह माड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चरखी दादरी जिले में काफी विकास कार्य हुए और बीजेपी सरकार ने चरखी दादरी को हरियाणा का राज्य का 22वां जिला घोषित किया, जिससे इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है और आगे भी चरखी दादरी जिले को सभी जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बारे में विधायक सुखविंद्र माड़ी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इस अवसर पर उनके साथ नसीब राव लभी, करमवीर नादा, सोमवीर नादा, अनुसूचित जाति बीजेपी जिला अध्यक्ष तेजपाल चौहान, सोनू धनखड़, अजय खाटू, पप्पू घसोला आदि लोग मौजूद रहे। मैं टीवी इंडिया न्यूज की तरफ से आज विधायक श्री नरेंद्र माड़ी जी का बाड़ा के विधायक है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यहाँ मूल्य में सुनने दिया हमारे को। साथ में अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो जैसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, साथ साथ भी रह चुके हैं 5 साल में। तो बीजेपी का यहाँ पे चरखी दादरी या बाड़ा हल्के में क्या जनाधार है कुछ हम जानना चाहेंगे, साथ में लोगों को क्या मत आ रहा है, लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, पीएम पद के जो हमारे उम्मीदवार हैं मोदी जी बीजेपी पार्टी से, उनको लोग कितना पसंद करते हैं, साथ में जन समस्या क्या क्या है और इन्होंने अपने हल्के में कितना विकास कार्य करवाया वो सारा जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुखविंदर। और अभी हालिया तौर पर मैं बाड़ा विधानसभा से देते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो सुखविंदर जी, मेन बात क्या है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो आप ग्रामीण लेवल पर शहरी लेवल पर घूमते हैं, साथ में वोटों की अपील भी कर रहे हैं, तो जो मोदी जी के प्रति है लोगों का कितना रुझान आ रहा है, कैंडिडेट के प्रति कितना लोगों का है और बीजेपी कितने रेट से जीतेगी, कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है? अभी लोकसभा हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर मैं लोकसभा के सह संयोजक के तौर पर करिए अभी देख रहा हूँ पूरी लोकसभा के अंदर, और अमूमन मेरा तीनों जिलों में भिवानी के अंदर भी चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में तीनों जिलों में प्रत्येक विधानसभा में मेरा जाना हुआ है। और आज जो माहौल देखने को मिलता है, 2014 का चुनाव भी था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की वेव की लहर थी, परंतु आज 2019 का ये जो चुनाव है इसमें उस समय के मुकाबले आज दुगने मुझे ये दिखाई देता है कि हम दुगने मार्जिन के ऊपर हैं। पिछली बार शायद 1,35,000 के करीब का मार्जिन था, इस बार 2.5 लाख से ज़्यादा हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल गया है लोकसभा। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, साथ में जो भ्रष्टाचार और शासन जैसे भ्रष्टाचार और या क्या नाम है रिश्वतखोरी थी उसको भी काफ़ी कम किया है, साथ में जैसे अभी जो भर्ती हुआ था तो भर्ती में भी काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिली, उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, कोई एक विषय नहीं होता है जिसके ऊपर कि आमतौर पर अमूमन सबकी एक राय हो जाती है या एक पक्ष में वो लोग सब जाते हैं। जब भी तो चुनाव होता है उसमें विभिन्न विषय देखे जाते हैं, उसमें शिक्षा को भी देखा जाता है, उसमें रोजगार की व्यवस्था भी, उसमें जो विकास हुआ है जिसमें सड़कों का, रेल या बदल या कर्ज का, या इसके अलावा जो किसान जो है कृषि प्रधान हमारा पूरा देश है, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, उसके लिए क्या क्या योजनाएँ सरकार लेके आई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की जो योजना इस सरकार ने बनाई उसके अंदर हर वर्ग का जो ध्यान रखा गया। अगर मैं मेरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूँ तो हजारों एकड़ में हमारा एक दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर के ऊपर लॉजिस्टिक हब बहुत बड़ा बनने जा रहा है। इसके अलावा हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में 2 नए मेडिकल कॉलेज मौजूद किए गए हैं। इसके अलावा पहले 1 नेशनल हाईवे इसमें लोकसभा क्षेत्र में होता था, आज 5 नेशनल हाईवे से ये लोकसभा क्षेत्र जुड़ा है। इसके अलावा हमारा ये जो क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ का, इसमें से लगभग हर परिवार का हिस्सा हमारे देश की सेना के अंदर है, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ने 5 वर्षों के दौरान हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, इसके साथ साथ सेना के आत्मबल को बढ़ाने का जो काम किया है वो भी काफ़ी सकारात्मक इस क्षेत्र के अंदर एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है, क्योंकि तो पहली बार इस प्रकार से देश में किसी ने काम किया है कि जिसने देश के किसान को, देश के जवान को, देश के युवाओं को, उनको पूरी तरह से हक देने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर
मैं ये कह सकता हूँ हमारी नौ की नौ विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और पिछली बार से ज्यादा हम इस मार्जिन को दुगना करने का काम करेंगे। साथ में सर आप वाराणसी से विधायक हैं तो आपके लोगों से जो उम्मीद थी उसके ऊपर कितना फोकस डाला आपने, क्या क्या विकास कार्यक्रम है जो अहमियत रखते हैं? 100% जो ये हमारा लगभग 4.5 साल का जो टेन्योर रहा है जो समय रहा है मुख्यमंत्री जी बहुत राजी एक ऐसे व्यक्ति जिसने इस हरियाणा प्रदेश को एक नज़र से देखने का काम किया। आज से पहले क्योंकि हमारे तो पारिवारिक तौर पर राजनीतिक रूप से हम हमेशा जुड़े रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के अगर आज मैं विधायक हूँ मेरे चाचा भी विधायक है, दादा भी रहे हैं, परंतु पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखने को इस प्रदेश की मुख्य धारा में मिला है जिसने इस हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास और बराबर ध्यान रखने का काम किया। उसका नतीजा ये है कि कोई भी 5 साल की एक योजना आप तुलना करके देख लीजिए उससे हमने दुगने से ज़्यादा काम इस बार 4.5 वर्षों में करवाने का काम किया है। अगर मुख्य तौर पर आप देखना चाहें तो हमने हर टेल तक ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे नहरें हैं जिन्हें 20-25-30 साल से पानी नहीं पहुँचा था, ऐसे गाँव के अंदर हमारे जो भी वाटर लेवल बहुत नीचे है और जोड़ जो हमारे रहते थे वो सूखे रहते थे, तो हमने इन 5 वर्षों के दौरान उन सभी जोड़ों को भरवाने का काम किया जिससे वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं जो एक रिचार्ज का जो काम करता है वो भी कहीं ना कहीं किसान को उसका फायदा मिला है। इसके अलावा किसान किस जब फसल को नुकसान पहुँच जाता था और खासकर हमारा ये क्षेत्र हर बार प्रभावित रहता था ओलावृष्टि से और बारिश से आंधी से इस चीज़ से, तो इस बार इस 5 साल के दौरान जब भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर पड़ी तो वो किसान के खेत पे नहीं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अकाउंट में पड़ी है क्योंकि उन्होंने 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस मुआवजे को देने का यहाँ क्षेत्र के लोगों को हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा हमने रोड कनेक्टिविटी है उनको कहीं ना कहीं बेहतर करने का और उनमें पहले के सालों के मुकाबले हमने उसको तेज़ करने का काम किया। हमारे यहाँ जो नए कॉलेज हमारे यहाँ खुले हैं बाड़ा विधानसभा में एक ITI हमने ओपन करवाई है। इसके अलावा हमने व्यायामशालाएँ लगभग 30 के करीब गांव हैं जिनमें हमने व्यायामशालाओं का खेल स्टेडियमों का निर्माण हमने करवाया है और जो एक गांव की समुचित विकास की व्यवस्था जो होती है जिसमें पक्की गलियां हो उसके गंदे पानी की निकासी की अगर हम बात करें तो वो सारी व्यवस्थाएँ कि हमने प्रत्येक गांव के अंदर करवा की दी है। लगभग मेरे इस विधानसभा में 75% से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जिनमें इन 4.5 वर्षों में करोड़ों रुपये की राशि हम लगा चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्था देखते हुए हमने एक इस प्रकार का प्रयास किया है कि कोई भी गांव विकास के मामले में पिछड़ा ना रहे, कोई भी अछूता ना रहे। तो रही बात किसान की तो किसान के लिए जैसे मैंने बताया कि उसको पानी पहुंचाने का हमने काम किया, उसके जोड़ करवाने के उसके वाटर लेवल को रिचार्ज करने का हमने काम किया, उसके मुआवजे के प्रति हमने हमेशा संवेदनशीलता हमने दिखाने का काम किया। इसके साथ साथ मंडियों के अंदर रख रखाव की जो व्यवस्था थी वो हमने दुरुस्त करवाने का काम किया। और सबसे अगर महत्वपूर्ण बात जो यहाँ आम जनता एक बड़ा मुद्दा रहता था जिससे इस दादरी बाड़ा के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और जिसके जिस प्रकार का एक बड़ा मुद्दा SYL का है उसी प्रकार का यहाँ एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा कि चक्की दादरी को जिला बनाया जाए, बाड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया जाए। कोई भी सरकार होती थी जब वो चुनाव के अंदर आती थी वो यही एक उनकी घोषणा होती थी कि इस बार अगर हमारा कैंडिडेट टैक्स जीतेगा तो हम उसको जिले का दर्जा दे देंगे, बाड़ा को उपमंडल बना देंगे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए हम सबकी अरदास के ऊपर मांग के ऊपर और बिना राजनीतिक भावना रखे, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश में जितने भी नए जिलों का गठन हुआ वो चुनाव के समय हुआ, लेकिन हमने सरकार के शुरुआती 2 साल के अंदर ही जिले की घोषणा की, इसकी व्यवस्था ठीक करने का काम किया। इसके अलावा हमने बाड़ा उपमंडल का दर्जा देने का काम किया, जोजू कला को हमने ब्लॉक का दर्जा देने का काम किया। तो हमने सारी व्यवस्थाएं की है। अगर आप जैसे मैंने कॉलेज की बता दी, अगर आप उससे नीचे की शिक्षा 10वीं 12वीं करेंगे तो हमने लगभग 5 से 3 स्कूलों को अपग्रेड भी किया है। तो एक अच्छी व्यवस्था हमने 5 साल में देने का काम इस बाड़ा विधानसभा में किया है। तो सर आगे पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, क्या क्या यानी फोकस मेन रहेंगे, किन किन उस पर मुद्दे पर यानी कि पार्टी आगे और बढ़ेगी, यानी कि जो विकास कार्य है उन पर और ध्यान दिया जाएगा ताकि जो जन समूह से जो भी समस्या है
उन पर हम लाए थे, जैसे छोटी छोटी जल समस्याएं। देखिए, जल समस्याएं जो भी हमारी होती हैं वो ये कभी भी संभव नहीं होता कि वो पूरी हो जाए और आगे पूरी होती है, क्योंकि एक कोई काम होता है, मान लीजिए किसी गांव में कोई गली का निर्माण हो रहा है तो 3-4 साल के बाद में वो फिर ऐसी स्थिति में आता है कि उसे निर्माण करना। लेकिन हमने इन 5 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से विकास को गति देने का काम किया है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस गति को हम और रफ्तार देने का आने वाले समय में काम करें। और मुख्य तौर के ऊपर कि पिछली सरकारों के दौरान जिस प्रकार से रोजगार देने की एक व्यवस्था होती थी, जो पर्ची का जो सिस्टम हमारे यहाँ आमतौर पर चलता था, अगर कोई नौकरी लगता था या तो वो पैसे के रूपते पे लगता था, और अगर पैसे के रूपते नहीं तो उसको हम जैसे व्यक्तियों के जो मुख्य धारा के जो लोग उस सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग होते थे उन सबके चक्कर लगाने पड़ते थे। यहाँ तक की नौबत भी आती थी कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने मान सम्मान की पगड़ी भी हम जैसे लोगों के चरणों में रखने का काम करते थे, परंतु इस सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खासतौर पर इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए, और जो हमारा पहले नारा था कि हम युवाओं को उनके हक पूरे सम्मान के साथ दिलाने का काम करेंगे, उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम करके दिखाया, जिससे आज मुझे ये गर्व होता है कि मेरी विधानसभा के हजारों हजारों बच्चे ईमानदारी और पारदर्शिता की नीति के तहत रोजगार की व्यवस्था से जुड़े हैं। हम इसको भी निरंतर आगे रखना जारी रखना चाहेंगे, और इसके अलावा हमारा ये प्रयास रहेगा कि और टेक्निकली, क्योंकि आज का समय टेक्निकल एजुकेशन का ज़्यादा है, तो टेक्निकल एजुकेशन को लेते हुए हम इस हमारे दादरी बाड़ा जिले के अंदर और ज़्यादा क्या काम करवा सकते हैं उनके ऊपर भी लगातार जिस प्रकार से लोगों की डिमांड आएगी, आम जनता की तरफ से जो राय आएगी, हमारे क्षेत्र के युवाओं की तरफ से कोई राय आएगी, तो हम उनको उसी के पूरा करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे। और पूरा हमें ये भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ना उन्होंने छोड़ी है, और अगर कोई हमारे क्षेत्र की कोई डिमांड पहले भी गई वो पूरी की है, और आने वाले समय में भी इस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये भी हमारे साथ में राज जी सुखेंद्र माणी जी, इनका हम टीवी वन इंडिया की तरफ से मैं उमेश कुमार फिर धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बताया कि जो यहाँ की मुख्य समस्या थी वो तो दार्जिलिंग जिला बनाना, तो बीजेपी सरकार का यानी प्राथमिकता है वो जिला बनाने का था, वो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया। और साथ में इनका कहना कि जो भी आगे लोगों के सुझाव आएंगे, जैसे भी युवाओं के वो सुझाव आएंगे, उसके ऊपर पूरा अमल में लाया जाएगा। ठीक है, इनका मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए उमेश सत साहिब की रिपोर्ट, हरियाणा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जिला चारखी दादरी के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व सांगवान खाप के प्रधान सोमवी सांगवान से लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की और विकास कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया। इस अवसर पर सोमवी सांगवान ने बताया कि हरियाणा में पीछे जितनी भी सरकार बनी है उन्हें चरखी दादरी जिले में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनमोहन लाल जी की अच्छी सोच की वजह से चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाकर विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हुई है, इन भर्तियों में गरीब बच्चों की योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। साथ ही सोमवीर सागवान जी ने बताया कि हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सोमवीर सागवान जी ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश व गरीब को न्याय दिलाना है। इस अवसर पर उनके साथ तेजपाल चौहान बीजेपी अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष, दलवीर सिंह ठेकेदार, योगेश सागवान, देवेंद्र सिंह, परमीत सिंह पीए आदि मौजूद रहे। आज मैं पहुंचा हूं, श्री सोमवीर सांगवान जी हैं जिला चरखी दादरी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी में हैं, तो इनका पैम मैं पहले टीवी वन इंडिया न्यूज़ की तरफ से स्टेट हेड उमेश कुमार भारती का अभिनंदन करता हूं, जो इन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे को दिया। तो सर, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं अभी, तो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी अपने चौधरी धनवीर सिंह हैं, उनके प्रति लोगों को क्या जन समर्थन मिल रहा है, कितना परसेंट लोग उनको चाह रहे हैं, और क्या क्या मुख्य समस्या थी जो बीजेपी सरकार ने 5 साल के अंदर दूर किया, और पीएम पद का जो उम्मीदवार है मोदी जी उसके प्रति लोगों का क्या विचार है? तो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे यहाँ बहुत ही लोकप्रिय पूर्व सांसद हैं और हाल कैंडिडेट हैं, लोगों का बड़ा जबरदस्त रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ मोदी जी के नाम से वोट देना चाहते हैं। देश के लोगों की पहली पसंद है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, क्योंकि मजबूत नेतृत्व के बगैर देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, और जिस प्रकार के मोदी जी ने जो फैसले हैं ये हैं पिछले 5 साल के अंदर, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं।
आज सर्वप्रेरक की बात है राहुल वर्सेज नरेंद्र मोदी, जनता ने जो मान लिया, अगर मोदी जी का आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता, इसलिए आतंकवाद की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, आर्थिक हालात की बात हो, या पूरे दुनिया के अंदर देश का मान सम्मान की बात हो, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एज ए प्रधानमंत्री जो काम किया उससे तो पूरे प्रभावित हैं। और 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में जिसके नरेंद्र भाई मोदी जी की जोड़ी में ऐसे जाएंगे और देश का पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, क्योंकि लोगों की आस है जिस प्रकार पहले सोने की चिड़िया हिंदुस्तान होता था पुनः सोने की चिड़िया बने, एक शक्तिशाली, एक समृद्ध, एक मजबूत, विकसित, विकासशील के बजाय विकसित भारत बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों की इच्छा है कि मजबूत आदमी को चुनने के लिए पसंद करते हैं लोग, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ के जो स्थानीय जो मुद्दे की बात है, पिछले 25-30 साल से डिमांड थी यहाँ दादरी को जिला बनाने की, किसी सरकार, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया। बीजेपी सरकार बनते ही साथ उस रैली का संयोजक वो सौभाग्य मुझे मिला और माननीय मनोहर लाल जी ने यहाँ आके दादरी को जिला बनाया और बहुत सी समस्याएं। तो सर आपका मुख्य फोकस है कि बीजेपी सरकार ने चरखी दादरी को जिला घोषित किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी सरकार की है, और उसका सारा संयोजक जो आपने बताया कि जो अभी रैली हुआ था जिला बनाने के टाइम पे, तो वो संयोजक आप ही थे। तो ये सोमवीर सांगवान जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और सांगवान खाप से भी इनका काफ़ी प्रधान है और लोगों में भी काफ़ी सक्रियता है, लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं इनको। तो साथ में मैं सर एक बात और पूछना चाहूँगा, अब जो जैसे कि विकास कार्य जो हुए हैं बीजेपी सरकार में और अभी जो भर्तियाँ हुई, तो भर्तियों में कितनी पारदर्शिता समझते हैं आप? पहले हम पिछले 30 साल से सक्रिय हैं सामाजिक कामों में, राजनीति में भी, तो जहाँ पहले चंडीगढ़ जाते थे तो मुख्यमंत्री देश के आगे हजारों गाड़ियाँ खड़ी रहती थी हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा के नंबरों की, और हजारों की तादाद लोगों में ताता लगा रहता था। वो सिर्फ नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए सिफारिश ले जाते थे या ट्रांसफर पॉलिसी के लिए जाते थे, ट्रांसफर के लिए जाते थे, टीचर या अदर जो भी कर्मचारी थे नौकरी पोस्टिंग के लिए जाते थे। पहली बार ऐसा आया जिस प्रकार ने अपने स्टेट मुख्यमंत्री माने मनोहर लाल जी ने एक ही बटन से 28,000 टीचर की पोस्टिंग, और जो नौकरी की जो बात थी न कोई चट न कोई सिफारिश, सर मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होया है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा है 18,000 डी क्लर्क्स के कर्मचारियों को एक इंटरव्यू, रात में लोग जो अपने दिन में काम करें तो रात में चिट्ठी मिलेगी कल सुबह आप अम्बाला ज्वाइन करें जाके नौकरी, ऐसी पारदर्शिता किसी लोगों के अंदर विश्वास जताया। और आज हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा, हर आदमी जो नकल पर बात करता था, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, अपने कंपटीशन के अंदर बच्चे आज मेरे गाँव से भी, इस इलाके से भी हजारों की तादाद में बच्चे बाहर कोचिंग ले रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो एक भावना, एक माहौल बना, यानी कि बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की भावना अच्छी है और बीजेपी सरकार ने काफी जम्मू की विकास किया चरखी दादरी जिले का। साथ में अगर बात की जाए, अगर हमारा मुकाबला मुख्य मुकाबला होगा इस लोग भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र से, तो किस पार्टी के साथ में हमारा मुकाबला है? ऐसा मुकाबला तो है नहीं, बाकी 2 नंबर पर जाते हैं, मैं समझता हूँ कि श्रुति रहेगी 2 नंबर पर और जेजेपी वाला। तो आपका मानना है कि श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी है वो 2 नंबर पर रहेंगी मुख्य मुकाबला, यानी कि चौधरी धर्मवीर सिंह और श्रुति के बीच में रहेगा? तो ये थे हमारे साथ में सोमवीर सांगवान जी, इन्होंने हमारे को अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए हम फिर से टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट, हरियाणा। वन इंडिया न्यूज संवाददाता उमेश सतसाहिब ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जिला चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश सचिव हरियाणा श्रीमती किरण कलकल जी से लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की और चरखी दादरी के विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जाना। इस अवसर पर किरण कलकल जी ने बताया कि भाजपा सरकार हरियाणा का चौमुखी विकास कर रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को मकान उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। किरण कलकल जी ने बताया कि भाजपा सरकार हरियाणा में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उनके साथ तेजपाल चौहान, सुधीर स्वामी, अत्तर सिंह सांगवान, मानवीर प्रजापत, पवन आडवाणी, सुरेश धर्मवीर बिलोटा आदि मौजूद रहे। तेजपाल चौहान जी हैं जिला चरखीदादरी के अनुसूचित जाति के जिला सर, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं बीजेपी से, उनका यानी कि
से बताना चाहता हूँ, आम आदमी है या व्यापारी है, किसान है, कमेरा है, दलित है, प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस सरकार से संतुष्ट है। जो पीछे की सरकारों के अंदर, जो अतीत की सरकारों के अंदर जो घपले घोटाले होते थे, प्रत्येक गाँव के अंदर, मैं छोटा से छोटा उदाहरण बताऊँ तो एक पेंशन का मामला होता था, एक के गाँव के अंदर 40-40 लाख रुपये के घोटाले हो जाते थे, गुटे दस्तक करके पेंशन को खा जाते थे। वो सिस्टम बंद हो चुका है। अब केंद्र सरकार की योजना हो या हरियाणा सरकार की योजना हो, वो पैसा सब बैंकों के अंदर जाता है। अगर 3 महीने में 4 महीने में आम आदमी जो बुजुर्ग है, बुढ़ापा पेंशन ले रहा है, पेंशन उनके खाते में आती है, वो पैसा सेफ है। लेकिन अतीत की सरकारों के अंदर जो प्रतिनिधित्व करते थे किसी भी गाँव गुहांड का, वो लोग या फिर उनकी आदत बनी हुई थी उन सरकारों के अंदर, उनके कार्यकर्ता थे, वो आदत छूट नहीं रही है। इस सरकार के अंदर ईमानदारी से सब काम हो रहे हैं। एक गरीब के बच्चे के घर का चूल्हा भी जल रहा है। एक योग्य बच्चा अगर किसी व्यापारी का है या किसी अधिकारी का है तो उसका बच्चे का भी नंबर पड़ रहा है इसके अंदर। पहले की सरकारों के अंदर अगर मैं HCS की बात करूँ या बड़े बड़े तहसीलदारों की बड़ी बड़ी मतलब वैकेंसीज की बात करूँ तो एक गाठड़ी रुपया चाहता था, आज वो सिस्टम बंद हो गया है। एक रेडी लगाने वाले की गुड़िया भी मतलब इन अच्छी लेक्चरर्स या टीचर्स भर्ती हो रही है। डी ग्रुप के अंदर आपने बड़ा उदाहरण देखा होगा, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से भर्ती निष्पक्ष हुई है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर विशाल काम किया है भारतीय जनता पार्टी। दादरी की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी सौगात तो इस दादरी जिले को जिला बना करके ये सौगात दी है इस आम लोगों को, क्योंकि पूर्व की सरकारों के अंदर यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी हुए हैं, सरकार केंद्र सरकार भी होती थी, हरियाणा सरकार भी होती थी, उन लोगों की यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी थे, परंतु यहाँ पर आज कुछ भी ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बेशक हार गया हो, निष्पक्ष भाव से जैसे 90 हलकों के अंदर विकास हुआ है उसी तरीके से दादरी का भी विकास हुआ है। दादरी को जिला बना करके सबसे बड़ी दादरी की जनता को सौगात दिए, एक मायने में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी या फिर नुमाइंदा है सरकार का, उसको श्रेय जाता है इस चीज़ का। तो आपका मानना है कि जो जिला चुनाव दादरी घोषित करके सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की ये देखते हैं चौहान जी, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष हम इनका फिर TV1 इंडिया न्यूज़ की तरफ स्टेट समान। आज मैं पहुंचा हूं BJP के जिला कार्यालय में चरखी दादरी में। हमारे साथ में BJP से किरण कक्कर जी हैं, उनका मैं TV1 इंडिया की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। कक्कर जी, आपका इसमें क्या मत है? तो जैसे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लोगों की आम राय क्या आ रही है, लोगों के कितना जन समर्थन मिल रहा है, और यहाँ से जो कैंडिडेट है उनके प्रति लोगों का क्या विचार है, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास कार्य करवाया, कितनी उपलब्धि हासिल की है। साथ में हमारा जो PM के पद के मुख्य दावेदार जो है BJP से जो अपने मोदी जी, उनके प्रति लोगों को क्या पसंद है? आप चैनल के माध्यम से वहाँ से हमारे मोदी जी के द्वारा जो भेजे गए हैं सांसद धर्मवीर सिंह, अब हम दादरी और बाड़ा के लोकसभा विधानसभा के कम से कम भी 60-70 गांव में हमारा उनके साथ दौरा जाना है, और 60-70 गांव में जो एक मोदी जी के प्रति जो रुझान है जनता में वो इतना ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त लहर है कि जो पीछे कारगिल लहर में जब सारी की सारी सीटें हरियाणा ने 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीती थी, अब उससे भी कहीं अच्छी लहर यहाँ पर मोदी जी की है। तो हमारा ये मानना है जैसे गाँव के जो रुझान हमने देखे हैं उसके माध्यम से कि हम जो पिछले 2014 में जो हमारी जीत हुई थी उससे कहीं 1.5 गुना हमारी अब की बार होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी ने जवान क्या, किसान क्या, महिला क्या, सभी के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया, बिना खर्ची बिना खर्ची नौकरिया दी, जो बच्चा योग्य हो उसको घर बैठे नौकरी दी, तो ऐसा जनता में उन
कानून के प्रति एक ऐसा विश्वास जागृत हुआ है कि आने वाले समय में लोगों की जबान पे, चाहे वो जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई मोदी मोदी कहने को एक उतावला है, जागरूक है। और कमल के फूल के लिए आने वाली 12 तारीख हर कोई कमल के सिवाय दूसरा निशान उनको मिला। तो किरण जी, हम देख रहे हैं जनता के बीच में भी जाते रहते हैं, हमारे जाते हैं, क्या होता है बीजेपी का मुख्य एजेंडा विकास है। जैसे पिछले समय में, पिछले 5 साल की योजना में हमारे मोदी जी के 60 महीने और पिछली सरकारों के 60 साल वो कहीं भारी हैं विकास के एजेंडे में। और ये क्या, हर क्षेत्र में कोई भी हो, चाहे शहर हो चाहे गांव, पहली सरकारें क्या करती थी, दिखावा ज़्यादा करती थी। जैसे एक सबसे बड़ा एक हमारे सामने भ्रष्टाचार का मामला जो, जैसे सौर ऊर्जा का, अब सौर ऊर्जा की जो यूनिट जो बिजली पैदा होती है वो खरीदती थी पिछली सरकारों ने, एक दो यूनिट लगाई है वो 14 रुपये कुछ पैसे उनका भाव होता था और हमारी सरकार मात्र 4 रुपये कुछ पैसे में। तो कितने बड़े भ्रष्टाचार वहाँ उस टाइम होते थे। और अब बिजली का क्या, जिन गांव में बिजली नहीं थी 18,000 गांव में बिजली पहुँचाई है, 6,000 करोड़ लोगों को हमारे उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है, किसानों को पेंशन योजना के माध्यम से। हमारे विपक्ष के लोग बहुत से कहते हैं किसानों की क्या पेंशन है, ये किसान की पेंशन नहीं कह सकते इसको, किसान को छोटा सा लाभ, एक छोटा किसान जो अपना खाद और बीज ले सके वो, उसके लिए जो कुछ लोग तो बोलते बोलते हैं हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अभी 2 किस्तें 2,000 की किसानों के खाते में आ चुकी ताकि वो अपना खाद बीज खरीद सके और अपनी खेती को अच्छी तरह कर सके। आने वाले समय में किसानों की आय दुगनी बढ़ाने का 2024 तक का जो एजेंडा दिया है मोदी जी ने वो भी करके दिखाएंगे। किसान की आय दुगनी होगी, हर गरीब के घर पे छत, सिर पे छत होगी, ये ऐसे मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच। तो मुख्य मुकाबला किस प्रत्याशी के बीच में रहेगा, किस पार्टी के बीच में रहेगा? मुकाबला तो किसी का है ही नहीं, अगर आज माने तो मुकाबला नहीं। आपका मानना है कि चौधरी धर्मवीर सिंह एक भारी बहुमत से जीतेंगे? उनका बिल्कुल भारी बहुमत से, बिल्कुल भारी बहुमत से। ये नहीं किरण जी, इनका हम टीवी में की तरफ से मैं स्टेट हेड उमेश कुमार फिर से धन्यवाद करता हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट, हरियाणा। टीवी वन इंडिया न्यूज संवाददाता उमेश सतसाहिब ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जिला चरखी दादरी से भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति तेजपाल चौहान से बातचीत किया और लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। वहीं तेजपाल चौहान जी ने बताया कि हरियाणा में भाजपा सरकार गरीब लोगों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चला रही, जिसका परिणाम यह है कि हरियाणा में हुई भर्तियों में ज्यादातर गरीब बच्चों को नौकरी मिली और यह भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों के समान से योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अच्छी सोच की वजह से हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर उनके साथ पवन आडवाणी, योगेश सांगवान, अत्तर सिंह, दलवीर सिंह ठेकेदार आदि लोग मौजूद रहे। मैं जिला चरखी दादरी की ऑफिस में आया हूँ, बीजेपी का दफ्तर है यहाँ पे। सांसद भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह जी हैं, उनके कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि लोगों में उनका क्या समर्थन मिल रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं सांसद जी को, साथ में बीजेपी पार्टी के प्रति लोगों का कितना सुझाव लोग दे रहे हैं और जो बीजेपी की कार्यप्रणाली है उससे लोगों में यानी कि कितनी परफॉर्मेंस है, साथ में हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो उनको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बल्लू धनखड़। मैं यहाँ से युवा जिला अध्यक्ष भाजपा का मेरे पास दायित्व है और हम मेरा पर्सनल मेरा काम युवाओं के बीच जाके ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीणांचल में, शहरी क्षेत्र में लगातार हम सरकार की नीतियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, यहाँ आदरणीय मनोहरलाल जी के जो फेयर किसी भी चीज़ को आप लगा लो, भर्ती पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, अनेकों अनेकों योजनाएँ युवाओं के लिए भी, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जो हम जाके बता सकते हैं, जिसके पास विपक्ष के पास इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है। और आज जो माहौल है
मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके किसी भी आम आदमी से पूछोगे, आम वोटर से पूछोगे, तो हर बच्चे हर बुजुर्ग पे खाली एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी। और तो सर बीजेपी को लोग वोट दे तो क्यों दे, उसके प्रति क्या कारण है, क्या विकास कार्य करवाए लोग? कोई एक बिंदु हो तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो अनेकों बिंदु हैं जिसपे विपक्ष तो है ही नहीं हरियाणा में, हरियाणा के क्या देश में विपक्ष नहीं है, अब कांग्रेस है विपक्ष में, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कहीं है, 10-12 चोर इकट्ठे होके भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, देश को 60 साल में क्या किया है सब लोगों को पता है, आज ऑप्शन है लोगों के पास मोदी जी, पहले नहीं था, तो इस कारण हो सकता है, कोई एक बिंदु हो तो मैं आपको बताऊँ। साथ में नरेंद्र मोदी जी की प्रति लोगों का जो रुझान आ रहा है उसमें कितना आपको लग रहा है, लोग कितने आश्वस्त हैं मोदी जी के प्रति? मैं तो ये मानता हूँ हरियाणा में 10 सीट हैं, 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरा जहाँ तक अपना मत है, क्योंकि मैं तो लोगों के बीच जाते हैं, हम ग्रामीणाचल में भी जाते हैं, तो चौधरी धर्मवीर सिंह हरियाणा की सबसे बड़ी जीत लेके यहाँ से निकलेंगे। तो मुख्य मुकाबला चौधरी धर्मवीर सिंह का किस पार्टी से रहेगा, किस प्रत्याशी से रहेगा? मैं तो यहाँ किसी से मुकाबला नहीं मानता, क्योंकि चौधरी धर्मवीर सिंह पिछली बार 1.5 लाख वोटों से जो कि अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा था, और अब की बार कम से कम उससे डबल या ट्रिपल हम जीत तय कर रहे हैं, तो किसी से कोई मुकाबला है नहीं। तो आपका मानना है कि चौधरी धर्मवीर सिंह एक तरफा जीत हासिल करेंगे और लोगों के विकास कार्य को आगे करवा पाएंगे, ठीक है? तो ये थे मनु धनखड़ जी हमारे साथ में, युवा जिला अध्यक्ष बीजेपी से, इनका मैं TV1 इंडिया न्यूज की तरफ से फिर धन्यवाद करता हूं। जी आपका भी मैं स्टेट हेड हमारे क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सत्साहिब की रिपोर्ट, हरियाणा।